आज 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर पुलिस विभाग द्वारा आतंकवाद के सामने लड़ देने के लिए और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए शपथ ग्रहण करते हुए परेड का आयोजन किया गया था। आज 21 मई पूरे राष्ट्र भर में आज आतंकवादी विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जहां आज वडोदरा शहर पुलिस विभाग द्वारा 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाने के भागरूप विशेष रूप से परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें आतंकी के सामने लड़त देने के लिए और सामाजिक समरसता सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के कर्मचारियों के बीच परेड का आयोजन करने के साथ शपथ ग्रहण करवाए गए थे। जहां 21 मई आतंकवादी विरोधी दिवस को मनाने के भागरूप ये दिन का उद्देश्य किसी प्रकार की आतंकवाद की क्रूर कृत्य और उसकी सर्जकता विनाशक के हालातों के सामने खड़ा रहने के लिए मनाया जाता है। देश भर में आज कई लोग ऐसे लोगों से प्रभावित हो रहे हैं जिनकी जिंदगी के सामने एकमात्र उनका हेतु यानी कि उद्देश्य हिंसा फैलाना है। ये दिन हर एक को इस बारे में याद दिलाता है कि आतंकवाद कभी भी किसी के लिए जवाब नहीं देता। शांति और सलाह सूचन से भी हर एक समस्या का हल मिल सकता है, तो वहीं सामाजिक समरसता एकता बनाए रखने के उद्देश्य से 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जाहिर सी बात है कि इसी दिन 1991 में भूतपूर्व वड़ा प्रधान राजीव गांधी की हत्या की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में 21 मई एंटी टेररिज्म डे के उपलक्ष्य में मनाते हुए आज वडोदरा पुलिस विभाग द्वारा भी विशेष परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के बीच आतंकी घटना के सामने लड़ देने के लिए और लोगों के बीच सामाजिक समरसता एकता बनाए रखने के लिए शपथ ग्रहण करवाए गए थे। मे 21 तारीख से आजना दिवसे तमाम पुलिस अधिकारी कर्मचारी हेडक्वाटर सभ्यों ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में अमरा जवान अधिकारी है आतंकवादी प्रवृत्ति सामे लड़वाना दृढ़ संकल्प तथा देश में सामाजिक एकता सद्भाव वातावरण रहे ये माटे ना आज शपथ दीदा है। आज शपथ है पूरा इंडिया में तमाम जगह पुलिस ऑफिसरो आजना दिवसे 12 वगे आ शपथ लीधेला है।